हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रारास किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ दूध के साथ आइसक्रीम, वो भी दो फ्लेवर्स में। चलिए कैसे बनाते देखेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 1.5 लीटर का फुल फैट दूध ली, इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। ये देखिए, एक उबाल आना शुरू हो गया। इसको हम लो फ्लेम में 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा होना है दूध। देखिए 15 मिनट हो गया, अच्छे से बॉयल हो गया। अभी एकदम थोड़ा सा थिक हो गया दूध। मैं इसमें डालूंगी 1 कप शुगर, जितना आपको मीठा पसंद है उतना डाल सकते हैं। शुगर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। देखिए शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो गया। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट, 1 स्पून, 2 स्पून कॉर्नफ्लोर, 2-3 मिनट हम बॉयल होने के रखेंगे। देखिए 2-3 मिनट अच्छे से मैंने इसको बॉयल की लगातार चलाते हुए, एकदम थिक हो गया। अभी ये मैं इसको अब लो फ्लेम में कर लेती। ये फ्रेश घर की मलाई है जो दूध के ऊपर निकल रहा है, वो इसको 1 कटोरी इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे क्रीमी टेक्सचर आएगा। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अभी मैं इसको 2 फ्लेवर में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा मिला के अलग से निकाल के रखती हूँ। देखिए एकदम 1 मिनट के मैंने अच्छे से मलाई को मिला ली। मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ, इसको मैं आधा डिवाइड कर लेती, एक बाउल में निकाल लूंगी। इसके बाद हम इसके अंदर बटरस्कॉच एसेंस डालेंगे, एक वेनिला एसेंस डालेंगे। ये देखिए अभी दिखने को थोड़ा पतला है, मगर ये ठंडा होने में एकदम ठीक हो जाएगा। देखिए आधा डिवाइड कर ली मैंने। अभी इसमें बटरस्कॉच एसेंस डाल रही हूँ 1/2 स्पून। इसको अच्छे से मिला लेते। बाकी जो बैटर निकाली उसमें मैं वेनिला एसेंस डाल रही हूँ 1/2 स्पून। इसको भी अच्छे से मिला लेते तो इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। चलिए दूध ठंडा होने तक अब मैं बटरस्कॉच क्रंच बनाती हूँ। इसके लिए 1 कप शुगर ली मैंने। इसको लो फ्लेम में हमको अच्छे से मेल्ट करना है, तो पानी बिल्कुल नहीं लगना है। लगातार चलाते हुए इसको मेल्ट करेंगे हम। देखिए शुगर अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गया। अभी मेरे को मिलाते हुए 3 मिनट हो गया, 3-4 मिनट, और 2-3 मिनट अच्छे से मिला लेते। देखिए शुगर अच्छे से मेल्ट हो गया। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ। मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप बारीक कटे हुए बादाम और काजू, इसमें 1 स्पून सॉल्टेड बटर, इसको अच्छे से मिला लेते। फटाफट मिला लीजिए। मुझे लगभग शुगर मेल्ट होने के लिए 6 से 7 मिनट लगा। अच्छे से मिला ली मैंने अभी इसको। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने एक प्लेट को बटर से ग्रीस करके रखी हूँ, इसके अंदर डाल लेते सारा। में डाल दी मैंने। अब इसको हम 15 से 20 मिनट अच्छे से सेट होने देंगे। देखिए ये अच्छे से ठंडा हो गया। अभी अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं इसको। देखिए काफ़ी थिक हो गया अभी ये।
कवर करती हूँ एल्यूमिनियम के फॉइल से, अच्छे से कवर कीजिए। और इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा भी भर लेते। देखिए दूसरा वाला भी मैंने भर ली, इसको फॉइल पेपर लगा लेते। ये लगाने से आइस क्रिस्टल्स नहीं लगेगा। इसको भी कवर कर लेंगे। ये दोनों को हम डीप फ्रीजर में 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। ये देखिए जो मैंने बनाई थी बटर स्कॉच का, एकदम इजी निकल के आया ये। इतना बढ़िया बनाई है। इसको हम तोड़ लेते। इसको हम ऐसे प्लास्टिक में ले लेंगे और सारे इसमें डालने के। इसको सारे पीसेस कर लेंगे। देखिए सारे तोड़ के बटरस्कॉच का स्क्रम्बल्स बना ली मैंने। देख कितना बढ़िया दिख के आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा भी बन गया मेरा अभी। चलिए अब चॉकलेट मेल्ट करने के लिए एक बाउल में मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दी। अब इसमें मैंने डार्क चॉकलेट वाइट चॉकलेट को तोड़ के डाल दी मैंने। डबल बॉयलर में हम इसको मेल्ट कर लेते। मैं इसलिए मेल्ट कर रही हूँ कि मैं चॉकलेट वेनीला फ्लेवर भी बना रही हूँ। 2 फ्लेवर्स में बना रही हूँ, बटरस्कॉच और वेनीला चॉकलेट फ्लेवर। देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया अभी ये। तो अच्छे से मेल्ट कर लेते। देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया। मैं इसको चॉकलेट गनाश बनाना है। इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ, 2-3 स्पून। इसको अच्छे से मिला लेते। इससे चॉकलेट गनाश बनेगा, क्रीम की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दूध ऐड कीजिए, चॉकलेट में गनाश बन जाएगा। ये देखिए मैंने अच्छे से मिला दी। देखिए कितना थिक हो गया, एक गनाश बन के तैयार हो गया। मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ। अब इसको ठंडा करके 5 से 6 घंटे रख दी मैंने इसको अच्छे सेट होने को। मैं 3 से 4 घंटे बोली थी, मगर सेट नहीं हुआ था इसलिए मैंने और थोड़ा सा सेट होने के लिए रखी। देखिए ये बटर स्कॉच का है और ये वेनिला। चलिए पहले एक को ग्राइंडर जार में डाल लेते। सारा मिश्रण इसके अंदर डाल लेते। देखिए मैंने सारा मिश्रण इसके अंदर डाल दी मैंने। अब इसको 1 मिनट के लिए, 30-30 सेकंड्स के लिए हम इसको अच्छे से चला लेते मिक्सर जार में। फिर इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड की। देखिए कितना झाग निकल के आया। चलिए अब एक बाउल में निकाल लेते हम। पहले थोड़ा सा डालेंगे और उसके ऊपर हम जो बटर स्कॉच के नट्स बनाए उसके ऊपर डालेंगे। ये बीच बीच में अच्छे लगते हैं। फिर दूसरा डालेंगे। सारे मिला लेते। इसको अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि सारे आइसक्रीम के अंदर मिल जाए। अब इसमें और थोड़ा सा डालूंगी ऊपर से। सारा बटर स्कॉच डाल दी मैंने। अब इसको मैं कवर कर लेती हूँ। फॉइल लगा लेंगे पहले और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा लेते। अब इसको हम डीप फ्रीज में रख लेते। चलिए तब तक हम वेनिला और चॉकलेट का बना लेते। मैंने सेम जार ली जो वेनिला के लिए जो फ्लेवर निकाल के रखे थे, हम इसको भी डाल के 1 मिनट के लिए चला लेते। देखिए
एक मिनट मैंने चला ली, इसको मैं थोड़ा निकाल कर रखती हूँ, आधा आधे में मैं जो चॉकलेट घनाश बनाई थी वो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून। अब इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने इसको भी अच्छे से चला ली। मैंने सेम बाउल ली, इसके अंदर हम पहले चॉकलेट का डाल लेते हैं। तो हम थोड़े से चोको चिप्स डालेंगे। तो दूसरा मिश्रण है वो भी डाल देंगे। पहले इसको ऐसे चला लेते, जो वेनिला है थोड़ा सा वेनिला फ्लेवर आ जाए चॉकलेट के अंदर। और थोड़े से चोको चिप्स। चलिए अब इसको कवर कर लेते, इसको फॉइल लगा लेंगे। और इसके ऊपर अच्छे से कवर कर लेते हैं ढक्कन लगा के। दोनों आइसक्रीम को हम 10 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखेंगे, चाहे हो सके तो आप ओवरनाइट रख सकते हैं। चलिए अब इसको फ्रीज में रख लेते हैं। चलिए 10 घंटे हो गया, अब चेक करते हैं। देखिए कितना बढ़िया जमा है ये आइसक्रीम। चलिए अब इसको बाउल में निकाल लेते। देखिए कितना सॉफ्ट निकल के आ रहा है। ये सिर्फ दूध से बना है, कोई भी क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो बटरस्कॉच का क्रम्स बनाए उसको इसके अंदर ऐड कर लेते। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा बटरस्कॉच आइसक्रीम, और एकदम सिंपल से बनाइए दूध के साथ। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए आप चॉकलेट वाला चेक कर लेते। ये चॉकलेट वाला भी बन गया, इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते। ये कितना अच्छे से निकल के आ रहा है ये। इसके ऊपर थोड़ा सा चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ। देखिए कितना सुंदर बन के आया चॉकलेट आइसक्रीम एंड बटरस्कॉच आइसक्रीम, एकदम सिंपल से बनाई मैंने, वो भी सिर्फ दूध के साथ बनाए। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। अगर मेरा वीडियो तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।